हम आपस में बैठ के सपना एक देखा था कि कोई अफसर घर में बने हमारे लिए। तो ऐसे लड़के से शादी करो, शिक्षित से करो, बेरोजगार है कोई दिक्कत नहीं है। जो सपना देखा है उसे पूरा जरूर करना है। के काम का भी प्रेशर रहता हाँ। है तो कभी ऐसा कुछ आपने प्रेशर दिया? नहीं, काम का प्रेशर मैंने कुछ नहीं दिया उसे। बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं समझा, जैसे मेरा बेटा बेटी है जैसे मेरे बेटा है। तो कैसा महसूस हो रहा है अभी, कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो बहुत कुछ हो रहा है, खूब खुशी हो रही है, सारे लोग आ रहे हैं दुआएं देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तीन दिनों से घर में माहौल एकदम अलग था, अलग सा ही हो रहा है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ज्यादा ही खुशी होती है। कभी सोचा भी नहीं था हमने कि बेटी हमारी यहाँ तक पहुँचेगी। एक ही बेटी है? हाँ, एक ही बेटी हमारी। और इस मुकाम पर है कि लग रहा है कि बेटों से बढ़कर है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बेटियों को आगे बढ़ने में रोकते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं तुम्हें तो घर पे जा बाद में जाके यही करना है, इतना पढ़ लो, बक पढ़ ली बहुत है, नहीं, आगे क्या करोगे? उस बच्चों में संस्कार भी होते हैं, माँ बाप जैसे संस्कार बच्चे में होते हैं उसी तरह से बच्चे को और बच्चों के मतलब पढ़ाई के भविष्य में सोचते हैं, लेकिन बच्चे का मेरा संस्कार कुछ अलग ही थे, उसके सबसे अलग थे। घर में चूंकि बड़ी बेटी है और थोड़ा सा घर के काम का भी प्रेशर रहता है, तो कभी ऐसा कुछ आपने प्रेशर दिया? नहीं, काम का प्रेशर मैंने कुछ नहीं दिया उसे, खुद ही अपने आप करती थी वो काम, जितना उसे करना है कर लिया। फिर मैं उसको मतलब कहती नहीं थी कि ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, ये कुछ नहीं कहती थी, जितना तेरी मर्जी है उतना कर ले। तो फिर भी अपने आप काम करती थी? हाँ, अपने आप। मैंने उसे कभी काम के लिए बोला नहीं है, फिर भी उनके मम्मी अकेली लगी रहती हैं तो मुझे थोड़ा। और काम के साथ साथ में पढ़ाई के लिए भी समय निकाला? पढ़ाई के लिए समय निकाला, रात में ज़्यादा समय देती थी पढ़ने के लिए, दिन में तो थोड़ा बहुत हो पाती थी, कहीं कोई मतलब दादी भी हैं घर पे तो थोड़ा उनको भी देखती थी मैं, जैसे बाहर दूध वूध निकालने चली जाती तो वही घर की जिम्मेदारी। आपको कितना समय हुआ सर रिटायर हुए? BSF 20 दिसंबर 1998 को भर्ती हुआ था BSF जी काटते हुए, हवलदार बना। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि मेरे को वाली रिटायरमेंट लेना पड़ा। अच्छा, 2011 में मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद मैं खेतीबाड़ी करता हूँ और समाज सेवा करता हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ। और मेरी जो बड़ी बेटी आए दिव्या, इसको सुबह से ही पढ़ाई में लगती थी, किताबों से बहुत प्रेम है इसको, इसको घर में फोन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या फोन क्या करना है, किसी स्क्रीन पर नहीं कर, रिश्तेदारी में आना जाना ये कुछ कोई शौक नहीं था, शौक था तो खेल खोल। उससे छोटा बेटा है वो यूपी पुलिस में, उससे वो दूसरा जो बेटा है वो भी BSC कर रहा है, और उसी जो उसने मेहनत की, पढ़ाई की, रंग लाई, और जो बेटा नहीं कर सका वो बिटिया नहीं करके दिखाया, उसमें मुझे मेरे को मुझे परिवार को समाज को गौरव महसूस हुआ, और सभी उसका प्रणाम लोगों का जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। अपने दो दिन से इतना व्यस्त हो गया कुछ जाना घर पे आने जाने वाले हाँ जो है ना, इतना कि मैं कुछ कह ही सकता। बाकी पढ़ने में मेहनत तो उसने बहुत की, रात रात भर दिन में पढ़ाई किया उसने। लगभग कितना कितना समय पढ़ा? मेरी तरफ हमारे तरफ से तो ये मैं बिटिया और बेटे में फर्क नहीं, जैसा कि बता रही है कभी हमने फर्क नहीं समझा, और पढ़ाई वो सारी सारी रात बैठी। तो मैं तो बाहर ज़्यादा टाइम देता हूँ समाज सेवा पे, तो पत्नी बहना तो पत्नी को जाकर बेटा सो जा, अभी तो टाइम काफ़ी हो गया, 2 बजे थी पड़ी पूरा मंगिया आराम कर फर्नीचर तो देने का मतलब बैन ही योगदान इनका है, श्रेय भी विद्या नहीं है कई बोल कहने का मतलब मेरा ये है कि लोगों का आशीर्वाद, विद्या की मेहनत और प्रभु की कृपा से ये सब संभव हुआ,
इसने तीसरा अटेम्प्ट ही दिया था। पहले मैं फाइनल में रह गई को, अब दूसरे 2021 में ये दो नंबर से इंटरव्यू में रह गई थी, और तीसरे में जैसे ही इंटरव्यू भेजने अभी नहीं थी मार्च में जब मैं साथ था, बोला पापा अगली बार पक्का हो जाए, आपकी बार मेरा कन्फर्म है। अच्छा, चलो किसी में भी हो जाए, मैंने ये बोला मैं किसी में तो हो जाए, ये भगवान ने मुझे इंग्लिश सिखाता दिया और किसी स्टॉप किया उसने। आज आप देख रहे हो तो काफा लगा हुआ है, घर परिवार समाज में पूरा डार हो, बड़ा खुशी है, भी बड़ा खुशी का माहौल। और उसका श्रेय दिया है बेटी ने, तो मम्मी को श्रेय दे दिया, आप किसे श्रेय देना चाहते हैं? इनका योगदान बहुत खराब, डिग्री की डिग्री से कुछ नहीं होता जी, ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए। पुराने टाइम में तो स्कूल ही नहीं थी तो डिग्री काशी मुस्ता भी महापुरुष सीधा और सरल, और जिस सीधा और सरल और जिसका जो क्या बोलते नियत सावधान, ऐसे ही को भगवान भी सहायता। आप जितने होशियार बनोगे ना भगवान देख रहा है, भगवान भी देखता है, उसने तैयारी की सच्चे दिल से की और सब कुछ तैयार किया। उसने गाँव में नहीं जानते कि फौजी की बिटिया है, निकली नहीं कभी घर से, कोई शौक नहीं किया, पढ़ाई के लिए उसने सब कुछ तैयार। और आप सब जानते हैं, आप बाहर गांव के बाहर से पूछे दिव्या के घर जा रहा है, आज मेरे को पहचानते थे बेटा किसका है, तू बच्ची का है, बिटिया की नहीं पढ़ी गाँव में। उधर अभी आज तो कल जो वो निकाला था, बोले यही फौजी की बिटिया है क्या, यही फौजी की बिटी है, इतना हुआ कभी किसी ने देखी नहीं, कभी दिन गई नहीं, कभी दावत प्रोग्राम शादी फंक्शन रिश्तेदारी में नहीं, केवल और केवल पढ़ना छाती पे छाती में किताब करते सुन गई, इतनी दूरी बदली हुई मैंने इसको कुछ खिलाया, उसको एक जुनून सवार था। और सबसे बड़ा एम, एम पहले तो एम रखो कि मैंने करना क्या है, और जब डिसाइड कर लो कि ये करना है उसको फिर क्रमबद्ध तरीके से जब तक आप गढ़ सकते ही नहीं, पक्का इरादा, और उसने पक्का इरादा किया। आज प्रणाम आपके साथ, हम तो मंजिल पाली है तो अब तो खाए के पिए के खूब से मैं तो चलता हूँ। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जी कि बेटिया जो आज की वेट में आगे पे हमारी भाजपा सरकार का भी चलना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ा तो चलना, और आप कंपटीशन में देख रहे हो बेटियाँ आ रही, टेन में 8 गर्ल्स हैं, बहुत बड़ी बात के टॉप 10 में 8 जो है ना बेटियों ने जो किया फाइट किया, और बड़ी गर्व की बात है। मैंने और एक हटके संदेश आपको देना चाहता हूँ जी, क्या पढ़ो और बढ़ो और ऐसे लड़के से शादी करो, शिक्षित से करो, बेरोजगार है कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको जो है ना खुद ही ऑफर नहीं दे। अब जैसे पुराने टाइम में लड़का देखने जाते कहते थे हमारी समाज जैसे सब समाज में जाते, आपके पास ऑफर हमारा रिश्ता भी सही, हमारा रिश्ता भी ऐसा कुछ करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाया तो बिटिया बिटिया खुद ही खड़ा होना पड़े। मेरे पूरे जो सब बैल बेटियों के लिए यही संदेश है, संदेश दे रहा हूँ, पढ़ो और आप भी पढ़ो और समाज को दिखाओ नारी शक्ति है, नारी जो है शक्ति है, और शक्ति सर्वमान भी जी, शक्ति जो है सर्वमान है नारी। अब पुराने स्त्री को पढ़ लो, रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ लो और सीता माता की पढ़ लो, नारी जो है ना जो अगर एक दफे ये पक्का इरादा कर लिया करके देखा जी, भटकोगे चारे तो भटकोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओ जी। ये मेरा कहना है कि मीडिया और फिर वैसे तो माँ बाप के लिए और आगे बढ़े, माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते, लेकिन
बच्चों में कुछ ऐसा रहता है कि मेरे मम्मी फेवरेट है या मेरे पापा फेवरेट है, तो दिव्या का कौन फेवरेट है आपका? मम्मी थी, मम्मी ज्यादा फेवरेट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आनंद जैसा कि आज आप महसूस कर रहे होंगे अपने अंदर। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि आपकी बेटी और आगे बढ़े, और हम सभी गर्व महसूस करते हैं कि दिव्या ने ऐसा किया है, और हम सब हमारे क्षेत्र की बात है, हमारी बेटी आगे बढ़ रही है और तमाम इसको देख करके बेटियाँ और आगे बढ़ेंगी, इससे इंस्पिरेशन लेंगी, इससे मोटिवेशन लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो कैसा महसूस करते हैं आपसे बड़ी आपकी दीदी? आपका सिलेक्शन पहले हालांकि हो गया था जी, और अब उनका सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस सर बहुत अच्छा कर रहा है, अनएक्सेप्टेबल इतनी दीदी ने दीदी है पूरे समाज में, गाँव में, पूरे हरियाणा में सब कहीं रुबी लाई और सब ने मैं दे सुन। क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं? बच्चे जो तैयारी करने उनसे शर्फ तो यही कहना है कि अपने परिवेश को ना देखें, ग्रामीण शहरी है, पैसे की कोई मतलब तंगी है, उस चीज़ को देखा करते मतलब स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के दौरान अगर कोई भी दिक्कतें आती है उसको चाहिए धीरे धीरे फैक्टर के प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए तैयारी करते रहें, एकदम निश्चित समर्थन रही है मैंने आपस में तैयारी। और परिवार भी कैसा होना है, भाई बहन में आपस में प्यार कैसा है? भाई बहनों में आपस में अच्छा प्यार है, टी आज से मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ सामने 3-4 साल डेली और आपस में बैठ के सपना एक देखा था कि कोई अवसर घर में बने, गाड़ी से कोई लाए पड़ती लगी की गाड़ी मैरी इन वाटर स्टाइल बनी, तो वो सपना एक सन गया, तो तैयारी के दौरान जब परीक्षा भी एग्जाम में दीदी अस्पताल में, तो उस समय मैं खुद की दीदी का एक बैठे दीदी जो सपना देखा है उसे पूरा जरूर है, क्योंकि अगर सपना जो देखा है पूरा नहीं कर पाए तो ही कुछ मैं अरे बच ये सब कोई वहाँ जो खुश हूँ कि मेरे लोग और मेरे भगवान ने सपना देखा था और दीदी ने वो साफा दे सड़ी बनेगा तो भी नाटे फायदा होता है, ये दीदी ने बाजार पाया तो ये कहीं थोड़ा और देख बच्चा बस रहा था आपस में प्रणाम व्यायाम ही रहती थी, कभी कभी ऐसा होगा भी शरारत नीति ने दिन दौरा आपकी ऊपर डाल दी होते ना, हाँ ये रखते ताजी तो डाल लिया आप इतने साथ में आपस में तीनों को जान के अच्छा मिली अपना और आइए अभी मेरी लेकिन पैर तुम लोगों करते दीदी उसे समझ दे कि कह दीदी मैंने तुम्हें तो गलती नहीं भी उठा पुलिस बताइए सर अपनी ये बच्चे से करी हुए करें। और कोई ऐसी कोई बात जो याद आती है वहाँ बहुत बेस्ट फ्रेंड बचपन की एक स्पीड बात आती है जैसे दीदी मेरे छोटा भाई तो दीदी और साथ साथ ही कहने आते थे साथ साथ खेलना सब कुछ, तो दीदी ने मुझे ये कहती थी कि मैं पढ़ रही बैठी तो तू बैठ मैं अगर पढ़ते से उठ जाऊँगी तो उठ जाएगी तो मेरे साथ पढ़ता तो ये ऐसे ही बढ़ते बढ़ता है ऐसे आप पे भी ऐसे ऐसे बीस है ले हर अच्छी की बात कर तीन साल मेरे से आप भी पीछे कि एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं कहा कि जिस मैं ड्यूटी के बाद मैंने अपनी दीदी को फोन ना लिया और वो हमेशा ही वही अपनी दीदी था क्या नहीं दीदी को मुझे लगता था कि शायद मतलब कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिससे मेरी इससे रखो चुकी तो आज मेरा ही सपना साकार होता है मेरे को परिवार था पूरा समाज था सबका ग्राम